मध्य प्रदेश में यूरिया और राशन की कालाबाजारी को तत्काल खत्म करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को दिए और कहा इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लगातार शिकायतें मिली कि प्रदेश में यूरिया और राशन की कालाबाजारी की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण बैठक बुलाए। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा, कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा यूरिया और राशन की कालाबाजारी को लेकर शिकायत आ रही है, तत्काल कालाबाजारी और मिलावट खत्म हो, मैं गंभीरता से ले रहा हूं पूरा मामला। इस मामले में अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन और खाद्य में कालाबाजारी शून्य हो ऐसी व्यवस्था करें, जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धाराएं बताकर कहा कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ इन धाराओं में कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपराधियों पर मुकदमे और वाहन राजसात करने के निर्देश दिए। 1955 जो वाहन करे उसको राजसात किया जा सकता है। हम वाहन राजसात करें, धारा 3 है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980, 6 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है। खाद की कालाबाजारी के संबंध में धारा 31 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, जिसमें विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। और अगर कोई खाद्य सामग्री के कालाबाजारी में फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर वगैरह का उपयोग करता है तो ये तो भारतीय दंड विधान की धारा 465, 467, 468, 420, इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। और मिलावट के प्रकरणों में भी 49 से 59 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, इसमें जुर्माने का, भारी जुर्माने का प्रावधान। आज कोई लंबी बैठक नहीं करनी और तर्क वितर्क करने, दो ही निर्देश है। नंबर एक, व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें गुंजाइश ना बचे गलत करने की, और नंबर दो, इसके बाद भी कोई रास्ता निकाल के करता है तो फिर वो जेल जाना चाहिए, वाहन राजसात होने चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें UW को भी मैंने इसलिए बुलाया है कि मामला देखें, अगर कोई UW देने लायक मामले बनते तो UW जांच करेगा कौन के पास से कहां गया और कैसे इधर उधर होता है, कौन इन्वॉल्व है। इसमें हमको सख्त कार्रवाई चाहिए भाई, साफ प्रशासन जनता को देना है। कलेक्टर SP से की भी कॉन्फ्रेंस में करने वाला हूँ, उसमें रखूंगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।